Welcome to the channel English with Devangan sir. This is our fourth video and third lesson. In the last lesson, we learned about will. The first lesson was introductory. The second lesson was the first was introductory video. Then the lesson one was isema that we studied. Will you studied, and today I am here with a new lesson. Before I start, I have few words to say. इससे पहले कि हम चालू करें, दो बातें मैं कहना चाहूंगा. ये वीडियो मेरे समस्त विद्यार्थियों के लिए है. ऑल ओवर इंडिया केंद्रीय विद्यालय के बच्चों के लिए, उनके अभिभावकों के लिए, शिक्षकों के लिए, मेरे पुराने विद्यार्थियों के लिए, उनकी माता पिता के लिए और सभी के लिए. आप यदि इसे देखकर सीख रहे हैं, मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो. कमेंट बॉक्स पे मैं कमेंट्स पढ़ रहा था, मुझे बड़ी खुशी हो रही थी कि आप सभी इंटरेस्ट से पढ़ रहे हैं. एक बात और, अंग्रेजी आप सीखेंगे, जरूर सीखेंगे. अगर आप इसे केवल व्हाट्सएप में वीडियो की तरह ही देख रहे हैं यदि, तो मुझे संशय है कि आप सीखेंगे. आपको एक बार, दो बार, तीन बार उसी वीडियो को देखना होगा, रिपीट करना होगा, अभ्यास करना होगा, निश्चित रूप से आप सीखेंगे. जो हम टॉपिक पढ़ते जा रहे हैं, उन्हीं टॉपिक्स को हमको रिवाइज करने की भी आवश्यकता है. तो चलो मित्रों, आज हम शुरू करते हैं. आज का जो हमारा टॉपिक है, देखिए, हैव एंड हैज. कहने को तो ये दो छोटे छोटे वर्ड हैं, हैव और हैज. हमारे जो छठवीं क्लास के बच्चे हैं, सातवीं क्लास के बच्चे हैं, जब वो लिखते हैं, उन्हें नहीं पता रहता है किसके साथ हैव लगाना है और किसके साथ हैज लगाना है. जब जो मर्जी आती है हम लगा देते हैं, या यूं कह लें, जब जो अच्छा लगता है, जब जो याद आता है हम लिख देते हैं. ऐसा नहीं. पहली बात, हैव और हैज का प्रयोग हम क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, ये सीखने वाली बात होगी. फिर से मैं वहीं पे आऊंगा, सब्जेक्ट कर्ता जिसकी हमने बात की थी, हमने पहले वीडियो में भी देखा था, दूसरे वीडियो में भी देखा था, मैं पुनः आपको उसके लिए लिखता हूं, ध्यान दीजिए. तो मित्रों, आई वी यू दे ही सी इट, मैंने नाम को स्प्लिट कर दिया, राम सीता, आप इसे मेल फीमेल ऐसा समझे. आई माई मी अभी तक आपको लर्न हो गया होगा, और नहीं हुआ है क्वेश्चन मार्क. अंग्रेजी आप तब तक नहीं सीखेंगे जब तक आप जुनून की हद तक नहीं जाएंगे. हाउसवाइफ जो है, आप किचन में हैं, आपने देखा है, आप कुछ काम कर रहे हैं, इसका सेंटेंस आ रहा है, बाहर आप निकले हुए, एक लड़की, सी इज मिस्टर शर्माज डॉटर, निकल गया आपका एक सेंटेंस. माई सन इज वेरी नॉटी, इज राम मोहन श्याम आर वेरी नोटोरियस बॉय. बोलते रहिए, कुछ भी बोल रहे हैं. ओ दिस इज राम, रामायण देख रहे हैं आप, दिस इज राम. ओ आई सी ही इज हनुमान, ही इज दारा सिंह. हम सेंटेंस बोल रहे हैं, हम इंग्लिश की प्रैक्टिस कर रहे हैं. ऐसा नहीं कि आपने केवल वीडियो देख लिया और आप सीख गए, जुनून की हद तक जाइए. जो भी आप, दिस इज कैरम बोर्ड, दिस इज माई पेन, दिस इज इट इज ब्लू पेन एंड दिस इज ब्लैक पेन, दिस इज मार्कर, दिस इज माई वॉच. जो कुछ भी बोल रहे हैं आप, जो मन में आ रहा है बोल रहे हैं, लेकिन अंग्रेजी बोल रहे हैं. आपको बड़ी खुशी होगी, ऐसे छोटे छोटे सेंटेंसेस से हम अंग्रेजी बोलना सीखते हैं. एक बच्चे ने दूसरे बच्चे की मैथ्स की कॉपी ले ली थी, दिस इज माई कॉपी, दिस इज नॉट योर बुक, दिस इज माई बुक, हो गई अंग्रेजी. ये आपको बहुत कॉन्फिडेंस देगा, आपको आश्चर्य होगा कि आप अंग्रेजी बोल रहे हैं. चलिए कम बैक, हैव और हैज. तो मैं आपकी सुविधा के लिए, ध्यान से देखिए, आई वी यू दे, यहां पर मैंने एक लाइन खींच दी, इसे हमने अब दो भागों में बांट दिया है. इस भाग को, नीचे वाले भाग को हमने बोला सिंगुलर, ऊपर वाले भाग को हमने बोला प्लूरल. जिन्हें ग्रामर का नॉलेज है मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा, अभी जितनी आपको आवश्यकता है मैं बता रहा हूं. दिस इज एक्चुअली आई एंड वी, दे आर कॉल्ड एज फर्स्ट पर्सन, देन यू इज द सेकंड पर्सन, दे इज द थर्ड पर्सन, प्लूरल नंबर, एंड देन दीज आर
these are singular, third person singular number. So इसमें उलझने की आवश्यकता नहीं है, बस इधर उधर, इधर को हमने बोल दिया प्लूरल, इधर को बोल दिया हमने सिंगुलर। याद रखिए, रिमेंबर, ये जो सिंगुलर है इनके साथ में हैज, और ये जो प्लूरल है इनके साथ में है। दैट्स ऑल। फिर से, सिंगुलर के साथ में हैज और प्लूरल के साथ में है, इतनी सी बात है जो आपको ध्यान में रखना। अब इसका मतलब क्या होता है, हम सेंटेंसेस बनाएंगे। सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे, देखिए, हैव और हैज, पजेशन, पजेशन आपके पास कुछ है, किसी भी व्यक्ति के पास, किसी भी वस्तु के पास, किसी भी स्थान के पास कुछ भी है। स्थान की जो बात आती है तो देयर इससे सेंटेंस बनेगा, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी देखिए, किसी भी व्यक्ति के पास कुछ है। चलिए मुझसे शुरुआत करते हैं। आई हैव अ वॉच, आई हैव टू चिल्ड्रन, आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है, आई हैव अ स्कूटी, मेरे पास एक स्कूटी है, आई हैव लॉट्स ऑफ बुक्स, मेरे पास बहुत सारी किताबें हैं। आपके पास कुछ भी है वो बताने के लिए आप उपयोग करते हैं have। याद रखिए, आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। हाउसवाइफ, हाउ कैन यू से आई हैव लॉट्स ऑफ सारीज, आई हैव मेनी फ्रेंड्स, आई हैव अ टेलीविजन, आई हैव अ फ्रिज। दिस रूम, अभी दिस रूम बोलो तो एक है कि बहुत सारे हैं, एक है मतलब सिमिलर है। दिस रूम हैज टू विंडोज, इस कमरे में दो खिड़कियां हैं। दिस रूम हैज फाइव चेयर्स, दिस रूम हैज अ सोफा सेट। अब आप शुरू हो जाए इस तरीके से सेंटेंस बनाना। कैसे बनाएंगे, आई हैव दिस, आई हैव दैट, आई हैव दिस, आई हैव दैट, जो भी आपके पास है गिनते जाइए, एक दो तीन चार पांच, जो बच्चे हैं छोटे छोटे बच्चे हैं इवन क्लास टू में थ्री में पढ़ रहे, आई हैव अ मोबाइल, बन रहा सेंटेंस। आई हैव फाइव कार्टून बुक्स, आई हैव अ टॉय कार, आई हैव वन ब्रदर एंड वन सिस्टर, आई हैव नो सिस्टर, बन रहे सेंटेंसेस, बिल्कुल बन रहे सेंटेंस। अब इन्हीं सेंटेंसेस को आप दूसरे तरीके से देखिए। माय स्कूल, मेरे एक्चुअली मेरे स्कूल में दो कंप्यूटर लैब है। मैं कैसे कहूंगा उसको, मुझे बहुत ज्यादा अंग्रेजी नहीं आती, मुझे केवल क्या आता है, देवांगन सर ने इज एम आर सिखाया है, हैव है सिखाया है और विल सिखाया है, मुझे केवल उतना ही आता है। कैसे बोलूंगा मैं उसको, माय स्कूल्स, पहला दिन याद कीजिए अपोस्ट्रोफी एस, जिन्होंने पहला वीडियो नहीं देखा है अब कंफ्यूज हो रहे हैं, गो बैक टू द इंट्रोडक्टरी वीडियो, सी द फर्स्ट लेसन इज एम आर, सी द सेकेंड लेसन विल, देन यू कम डाउन टू द थर्ड लेसन, अदरवाइज हमेशा समस्या होगी। चलिए कम बैक, सो अपोस्ट्रोफी एस का के की, हाँ, तो माय स्कूल्स नेम इज केंद्रीय विद्यालय खरगोन। अब स्कूल तो एक है, उसे क्या बोलूंगा, इट हैज टू कंप्यूटर लैब्स, इट हैज अ बिग प्लेग्राउंड, इट हैज 42 टीचर्स, इट हैज 968 स्टूडेंट्स, आई हैव मेनी फ्रेंड्स, आई हैव मेनी फ्रेंड्स, बीच में इज एम आ गई, ऑल द टीचर्स, इसकी एम क्या बोलिए, इसकी एम क्या, ऑल द टीचर्स, वेरी गुड, ऑल द टीचर्स आर वेरी गुड, बन रहे सेंटेंसेस। माय स्कूल पे आप ऐसे लिख सकते हैं, इंडिया इसकी एम क्या, इज इंडिया इज माय कंट्री, इट हैज 29 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरीज, इट हैज मेनी हिस्टोरिकल प्लेसेस, आगरा इज वन ऑफ, देखिए मैं इज एम आर हैव हैज को मिक्स कर रहा हूं, आपको भी ध्यान देना है, जब पजेशन की बात आती है किसी के पास कुछ है तो हैव हैज, और किसी की क्वालिटी बता रहे तो इज एम आर, मिस्टर शर्मा इज माय नेबर, ही हैज टू डॉटर्स, अनीता इज एल्डर डॉटर, सुनीता इज यंगर डॉटर, सुनीता हैज अ स्कूटी एंड अनीता हैज अ बाइसिकल, हिज वाइफ हैज लॉट्स ऑफ ज्वेलरी, देखिए कितने सारे सेंटेंसेस बन रहे हैं, आपकी
आंखों के सामने जो दिख रहा है, घर के सामने देख रही, गार्डन दिख रहा है, गार्डन में बताइए क्या क्या है, आपके घर में क्या क्या है, आपके मोहल्ले में क्या क्या है, आपके शहर में क्या क्या है, आपके स्कूल में क्या क्या है, आपके किचन में क्या क्या है। माय डियर फ्रेंड्स, वेरी इजी इट इज। आप यदि सोचना चाहते हैं, स्काई इज द लिमिट माय डियर फ्रेंड्स, स्काई इज द लिमिट। आप घर में बैठे 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 बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस है जो आप सोच सकते हैं। किसी ने आपको फोन किया, किसी ने आपको फोन किया, अब आप, अरे यार अभी मेरे को बात नहीं करना है यार, बहुत सारा काम करना है, मैं काम करता हूँ, तेरे को बाद में काम करता हूँ। दिस इज द जनरल परसेप्शन। अब तो आप अंग्रेजी सीख रहे हैं, अब आप अंग्रेजी सीख रहे हैं, कैसे बोलेंगे इस चीज को? टूडे आई एम वेरी बिजी, आई हैव नो टाइम, आई हैव लॉट्स ऑफ वर्क, आई विल टॉक टू यू आफ्टरवर्ड्स, आई विल टॉक टू यू टुमारो। तीनों आ गए, इसे मारा आ गया, हैव हैज आ गया, विल आ गया। अब ये कनेक्शन कैसे करना है ये आपको देखना है। आपके तर्कस में खूब सारे तीर, रोज एक एक तीर मैं डालते जाऊंगा। अब कब कौन सा तीर इस्तेमाल करना है आपके विजडम पे डिपेंड करता है। फिर से मैं बताता हूं, टूडे आई एम वेरी बिजी, आई हैव लॉट्स ऑफ वर्क, आई हैव लॉट्स ऑफ होमवर्क, आई विल टॉक टू यू टुमारो, या टुमारो आई विल टॉक टू यू। बन रहा सेंटेंसेस? सो डियर फ्रेंड्स, दिस इज व्हाट आई वांट टू टेल यू टुडे। सो प्रैक्टिस दिस, ये पूरा लर्न कर लीजिए, मैंने रखने नहीं बोला है, लर्न करने बोला है। लर्न करना मतलब समझिए, ये आपको देखना नहीं पड़े। जैसे मुझे आप बोलना है, अरे उसकी बेटी बहुत समझदार है, उसकी बेटी, किसकी बेटी एक्चुअली? मिस्टर वर्मा की बेटी। तो हिज डॉटर इज वेरी इंटेलिजेंट, हिज डॉटर इज, अब यहां तो ये तो नहीं बोलूंगा हिज डॉटर हैज वेरी इंटेलिजेंट, तो आई एम फूल टू स्पीक लाइक दैट। आपको देखना है कि उसकी बेटी की क्वालिटी बताई जा रही है, इसे मान। उसकी बेटी के पास बहुत सारी किताबें हैं, हिज डॉटर हैज लॉट्स ऑफ बुक्स। बचपन में हम काउ पे ऐसे लर्न करते थे, काउ इज डोमेस्टिक एनिमल, सी हैज, काउ को हम सी कहते हैं, सी हैज टू आईज, टू ईयर्स, टू हॉर्न्स एंड अ बिग टेल। तो हम उसको लर्न करते थे, हम ये नहीं देखते थे हाँ गाय के पास है टू ईयर्स तो बोल दे हैव हैज लगाई। माय स्कूल पे आप ऐसे लर्न करते थे, सिंपल लिखिए ना, माय स्कूल हैज अ लाइब्रेरी, लाइब्रेरी हैज लॉट्स ऑफ बुक्स। जिसके पास जो है आप यूज कीजिए। अब आप लिखिए माय स्कूल पे ऐसे, माय हाउस पे ऐसे, माय कंट्री पे ऐसे, आपका जो शहर है उस शहर पे ऐसे लिखिए आप। मध्य प्रदेश इज इन द हार्ट ऑफ इंडिया, भोपाल इज द कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश, इट हैज मेनी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, इट हैज टू रिवर्स, इट हैज मेनी ब्रिजेस, इट हैज टू रेलवे स्टेशन, इट हैज मेनी सीबीएसई स्कूल्स, इट हैज मेनी हॉस्पिटल्स। भोपाल के इतिहास लिख सकते हैं आप पूरा अंग्रेजी में, अंग्रेजी में, यस यू कैन। सो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल आई वॉन्ट टू टीच यू। अब आज की वीडियो में आप जब बात करेंगे, आज जब आप होमवर्क करेंगे, तो ना केवल आपको हैव हैज करना है, इज एमआर भी इसमें शामिल हो, हैव हैज भी इसमें शामिल हो, विल भी शामिल। तो चलिए आज होमवर्क की बात करते हैं। तो सबसे पहले माय स्कूल, आप जितने भी सेंटेंसेस हो सकते हैं, हर बच्चा स्कूल जाता है, और जो हाउस वाइफ है, जो प्रोफेशनल्स हैं, जो दूसरे लोग हैं जो अब स्कूल नहीं जाते, हर स्कूल जाता है, मतलब हर टीचर स्कूल जाता है, हर बच्चा स्कूल जाता है, अदर देन दिस टू। आप इमेजिन कीजिए कभी कभी जब आप स्कूल गए, मान लीजिए आप फिर से विद्यार्थी है, मान लीजिए आप शिक्षक हैं, तो माय स्कूल पे लिखिए, माय सिटी आप जिस भी शहर पे रहते हैं, कंट्री पे लिखिए आप अपनी, फ्रेंड पे लिखिए आप, माय टीचर पे लिखिए, अपने फेवरेट टीचर पे लिखिए, जो भी आप लिखना चाहते हैं। बहुत सारा होमवर्क कीजिए, केवल बोलने से, केवल वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, जोर जोर से बोलिए, सेंटेंसेस बोलिए, जुनून की हद तक चाहिए। फ्रेंड्स, कल फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, लेकिन आपको फिर से बार बार आपको लेसन वन, लेसन टू, लेसन थ्री देखने की आवश्यकता है, और आप मुझसे संपर्क करने के लिए फेसबुक में, इंस्टाग्राम में,
व्हाट्सएप में इन तीनों पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। यदि आप लाइक और सब्सक्राइब के लिए मैं आपको नहीं कहता, सब्सक्रिप्शन से आपको ये फायदा होगा, आपको लिंक अभी किसी न किसी माध्यम से मिल रहा है, फेसबुक या व्हाट्सएप के माध्यम से। आगे जाके यदि ये उपलब्ध नहीं हो पाया तो नोटिफिकेशन हमेशा आपको आता रहेगा एंड यू विल बी एबल टू सी द वीडियो। एक और तरीका मैं बताता हूँ आपको, इसको आप नोट कर लीजिए, आप ध्यान रखेंगे, इंग्लिश विथ देवांगन सर, YouTube के सर्च इंजन पे यदि आप ये लिखेंगे सारे वीडियो लाइन से आपको मिल जाएंगे। दिस इज द थिंग टू नोट डाउन। यदि कभी आपसे कोई लिंक नहीं मिल पाता, एवरी डे यू कैन कीप ऑन चेकिंग, YouTube के सर्च इंजन पे आप लिखते हैं इंग्लिश विद देवांगन सर, सारे वीडियोस फ्लैश हो जाएंगे। और उसमें आपकी सुविधा के लिए क्लियर इंडिकेशन दिया हुआ है, पहला जो वीडियो होगा इंट्रोडक्टरी, वो सीरियल नंबर इधर उधर हो सकता है, इंट्रोडक्टरी वीडियो है पहला, फिर लेसन वन, लेसन टू, लेसन थ्री। तो आप लेसन वाइज देखते रहिए और इससे आपको निश्चित रूप से फायदा होगा। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कक्षा आपको कैसी लगी, क्या कमी थी जो आप पूरा करना चाहते हैं। सी यू टुमारो, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।